वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मेजर सब्जेक्ट के बारे में कि आखिरकार मेजर सब्जेक्ट होता क्या है, मेजर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या होता है और मेजर और माइनर में क्या अंतर होता है। मेजर सब्जेक्ट में जब आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो आपको एक मेजर सब्जेक्ट जो या दो मेजर सब्जेक्ट होंगे, तीन मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पूरा सिनेरियो हम समझेंगे आज की वीडियो के माध्यम से, किस तरीके के आप मेजर सब्जेक्ट का रवैया रहता है पूरे बीए में उसको समझने का काम करेंगे और क्या बेनिफिट होता है मेजर सब्जेक्ट में और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार मेजर सब्जेक्ट है क्या। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग गुड मॉर्निंग और भाई सभी लोग गुड मॉर्निंग, राम राम। चले आगे बढ़ते हैं, हम और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं और बहुत ही बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आपके लिए एक व्यवस्थित तरीके से एक मतलब एक बहुत जबरदस्त सीरीज आने वाली है 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। तो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो जो है आने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। हालांकि आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे मेजर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। किसके भैया? मेजर विषय के बारे में कि मेजर विषय का पूरा सिनेरियो क्या होता है, मेजर विषय क्या होता है, कितने प्रश्न होते हैं मेजर सब्जेक्ट के, कितने कैसे मॉडल पेपर आता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, सारी चीजों को आपको बताने का काम करूंगा। मेजर माइनर में क्या डिफरेंस होता है इसको समझेंगे। सबसे पहली बात, मेजर सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट होते हैं बीए में या बीएससी में या बीकॉम में। तो मेजर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन होते हैं। कितने होते हैं भैया? तीन मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं बीए में भी, बीएससी में भी और बीकॉम में भी। हालांकि बीकॉम में आप हो सकता है कि कुछ अलग से सिनेरियो हो, हालांकि बीए की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से तीन सब्जेक्ट आपको मेजर में पढ़ने पड़ते हैं बीए में। इसके अलावा अगर बात करें, तीन सब्जेक्ट में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है बीए का, जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है जिसमें सोशल साइंस के कुछ फैक्टर जुड़े हुए हैं, ठीक है, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस का, ठीक है। इसके अलावा सोशल साइंस एक होता है, कुछ सब्जेक्ट आपके आर्ट के होते हैं और कुछ सब्जेक्ट आपके होते हैं भैया साहित्य के, यानी कि लिटरेचर के, ठीक है। तो साहित्य में जैसे हिंदी हो गया आपका, ठीक है, हिंदी हो गया, इसके अलावा इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, इसके अलावा आपका संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है, या इसके अलावा आपका अरबी हो गया। तो ऐसे ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ये साहित्य के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ने पड़ते हैं बीए में। सोशल साइंस में आप देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, आर्ट में आप देखते हैं कौन कौन से सोशियोलॉजी वगैरह होता है, ये सब आपका आ जाता है, ठीक है। और आर्ट्स में आप देखते हैं जो है आपका, सोशल साइंस में आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से लेकर के आपका, शायद इसी में आता है पॉलिटिकल साइंस आपका आ जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और हो गया आपका जियोग्राफी, इसके अलावा आपका हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा एक सब्जेक्ट और आपका है पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में जिसको आर्ट का सब्जेक्ट आप बोलते हैं ह्यूमैनिटीज, वैसे तो ये सब आर्ट के सब्जेक्ट है, इसको आप मानविकी के सब्जेक्ट रहते हैं ह्यूमैनिटीज का, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आपका जैसे सोशियोलॉजी हो गया, यानी समाज शास्त्र, ठीक है, इसके अलावा आपका एजुकेशन हो गया, और एजुकेशन के साथ ही साथ आपका और सब्जेक्ट जैसे कि आपका होम साइंस हो गया, इसके अलावा और भी तमाम सारे सब्जेक्ट हैं। होम साइंस के अलावा भी आप देखते हैं जैसे और भी सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे, जैसे कि मिलिट्री साइंस हो गया, ठीक है, मिलिट्री साइंस यानी डिफेंस स्टडीज, ठीक है, मिलिट्री साइंस। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी के अलावा भी और सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया,
और भी सब्जेक्ट आपके इसमें आप शामिल कर सकते हैं, जो भी और सब्जेक्ट बच रहे होंगे। तो ये सब सब्जेक्ट आपके होते हैं ह्यूमैनिटीज के। सोशल साइंस में चार सब्जेक्ट आते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज और होती है कि भाई दो साल तक तो आपको पढ़ना होता है। यहीं पर आपको मैं चीजों को समझा दूंगा। जब आप बीए, खास करके बीए में आपको कितने साल, कुछ यूनिवर्सिटीज में से बिहार विश्वविद्यालय में आप देखते हैं बीए आपका 4 साल का हो गया है। मतलब बिहार में लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में बीए 4 साल का होता है, ठीक है। और अपने यहाँ पर यूपी में अगर आप देखेंगे तो यूपी में आप देखिएगा अपने यहाँ पे क्या, मतलब यूपी में आप देखेंगे अपने यहाँ पर, मतलब चूंकि मैं यूपी से हूं इसीलिए अपने यहाँ पर निकल गया, तो अपने यहाँ पे यूपी में आप देखेंगे तो 3 साल का बीए, ठीक है। 3 साल में कितने सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर। 4 साल में कितने सेमेस्टर हो जाएंगे भैया, 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो अब जो आपका ये खास करके जो नई शिक्षा नीति लागू हुई उसमें जो 6 सेमेस्टर होंगे उसमें शुरुआत के जितने 4 सेमेस्टर हैं, 4 सेमेस्टर अर्थात अगर बात की जाए, 4 सेमेस्टर का सीधा सा मतलब हो गया कि सेकेंड ईयर तक, ठीक है, सेकेंड ईयर आपको, सेकेंड ईयर तक 3 मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट भैया, 3 मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं, ठीक है, किसमें जाते हैं भैया, थर्ड ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर का मतलब हो गया आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, ठीक है। तो जब आप इन 2 सेमेस्टर में होते हैं, ठीक है, तो जब आप इन 2 सेमेस्टर में होते हैं तो आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं मेजर के, मेजर के आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, क्लियर। कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं भैया, 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। अब यहां पर चीजों को समझें बहुत ही बारीकी से, चूंकि ये सब चीजें आपको बहुत ही, जब चीजों को बहुत आसान तरीके समझेंगे, बहुत ही समय लेकर के समझेंगे तो बहुत ही आसान होगा बीए पढ़ना। और बीए एकदम से आप चुटकियों में उड़ा देंगे, बड़ा अच्छा आपको लगेगा जब आप सारी चीजों को समझेंगे, कोई आपका डाउट नहीं बचेगा। ये डाउट सेशन में मैं इस तरीके की चीजें लाता रहता हूँ। आप में से जो भी चीजें, मतलब नीचे कमेंट सेशन में बात कर रहे हैं, प्लीज बात ना करें नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखें, तो बातचीत बिल्कुल भी ना करें। तो ये हो गया एक प्रकार से 3 सब्जेक्ट इसमें जब होते हैं, 3 सब्जेक्ट जो होता है। अब ये 3 सब्जेक्ट में अगर बात की जाए तो इसमें एक एक पेपर होते हैं, बेसिकली हर एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के एक पेपर, यानी कि 3 पेपर यहाँ पर आपको इसके देने होते हैं। लेकिन जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर बात की DDU की, तो उसमें एक सब्जेक्ट के 2 पेपर यानी कि 6 पेपर आपको देने होते हैं, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपके नियम आया कि भाई केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, ठीक है, वहां पर, यानी उसका पेपर पैटर्न आपका क्या होगा, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का जो होगा, बीएससी और बीकॉम इन सभी का जो होगा आपका स्नातक का, वो ऑब्जेक्टिव और प्रश्नातक का लिखित, ठीक, ऐसे बताएगा। तो अब देखें, तो यहां तक तो हो गया भाई एक चीज। अब 2 सब्जेक्ट जब आपका हो जाएगा 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में, तो एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर यानी कि इसी सब्जेक्ट में आपका मेजर का सब्जेक्ट में लगभग आपको 4 पेपर देने होंगे, ठीक है। और कुछ विश्वविद्यालय से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप देखेंगे, इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय में, इसके अलावा और एक आध विश्वविद्यालय जिसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें भी आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आप देखेंगे यहां पर, तो 4 पेपर जब इसमें हो जाएगा, तो जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें आप देखेंगे एक सब्जेक्ट में जहां पर अन्य विश्वविद्यालय में 2 पेपर होंगे वहीं पर उसमें 4 पेपर हो सकते हैं, ठीक है, हो, और ऐसा मतलब मिला भी है कि 4 पेपर लगभग वहां पर होंगे छोटे छोटे, मतलब कि 4-4, अच्छा वो जो 4 पेपर होंगे वो इन्हीं 2 पेपर में से, जैसे एक पेपर जो होता है, जैसे अन्य विश्वविद्यालय में जो पेपर एक है हिंदी काव्य, अब उसी हिंदी काव्य की अगर बात की है तो हिंदी काव्य में से ही हिंदी काव्य के शुरुआत के 4 इकाई और लास्ट के 4 इकाई, तो शुरुआत के 4 इकाई पेपर 1 बन जाते हैं DDU में, और पेपर 2 जो बन जाता है वो लास्ट के 4 इकाई बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से उसी सिलेबस से ही बांध करके किया गया, बाकी सिलेबस सबका सेम ही है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न यह उठता है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ता है, तो इसको लेकर के जो मेजर सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ता है, इसको लेकर के आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़े और कौन सा सब्जेक्ट आप पकड़े रहे। देखिए, अगर आप में से, अगर आप जो है, देखिए यहाँ पर 4 सब्जेक्ट जो आपके सोशल साइंस के हैं, सबसे पहली बात इन 4 सब्जेक्ट में से अगर 2 सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है और जियोग्राफी लिया हुआ है, तो या एक प्रकार से आपका पॉलिटिकल साइंस के हमेशा आप पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर बैठता है। हालांकि इन 4ों में से अगर 2 सब्जेक्ट आपके हैं,
मतलब थर्ड सेमेस्टर में, मतलब सॉरी थर्ड ईयर में यानी फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में, अगर दो सब्जेक्ट इनमें से अगर आपके हैं तो उनको मत छोड़िएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा इन तीनों में से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सोशल साइंस में तब आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आप दे पाओगे, ठीक है, टीजीटी एंड पीजीटी की परीक्षा आप दे पाओगे तब जब इनमें से आपका दो सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे यहाँ पर, तो सोशल साइंस से आप दे पाओगे, तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी आपका लास्ट ईयर में रख सकते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री रख सकते हैं, हिस्ट्री जियोग्राफी रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी रख सकते हैं, हिस्ट्री का आप और पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, इस प्रकार से जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, जियोग्राफी हिस्ट्री रख सकते हैं, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, मतलब आप इन चारों में से दो सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, तो ये आप सोशल साइंस से एलिजिबल हो जाएंगे डालने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, साहित्य में कुछ चीजें होती है, और साहित्य में जैसे कि जो आपका साहित्य में जो हिंदी है, हिंदी के साथ आपका संस्कृत का होना जरूरी होता है, अगर हिंदी के साथ संस्कृत आपका नहीं है तो आप टीजीटी पीजीटी नहीं दे पाओगे, तो अगर हिंदी आपने लिया है और संस्कृत भी लिया हुआ है, या आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और सोच रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट आपने लिया है और संस्कृत उसके साथ नहीं लिया है, तो आप टीजीटी पीजी की परीक्षा नहीं डाल पाओगे, लेकिन उसके लिए भी आप डाल सकते हो कब, बाद में जब आप संस्कृत का कोई कोर्स कर लेंगे या संस्कृत से आप बीए कर लेंगे प्राइवेट फॉर्म में तो आपका हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने हिंदी लिया हुआ है अभी भी आपका अगर कुछ चांस है तो आप ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, हालांकि अगर चांस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले भी इन चीजों को बताया था। तो इसी प्रकार से बाकी इंग्लिश के साथ कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, ना उर्दू के साथ ना अरबी के साथ, लेकिन हिंदी के साथ आप संस्कृत को जरूर पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये साहित्य का हिंदी में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। बाकी आर्ट के सब्जेक्ट में अगर देखें, आर्ट के सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट लेते तो कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, जैसे सोशियोलॉजी के साथ अगर आपका एजुकेशन है तो भी ठीक ठाक होता है, सोशियोलॉजी के साथ होम साइंस है तो भी ठीक है, सोशियोलॉजी के साथ मिलिट्री साइंस है या कुछ भी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, तो सबका अपना कॉम्बिनेशन एक बैठता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सब्जेक्ट में बस खाली हिंदी के साथ दिक्कत होती है और इनमें से दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई मैटर नहीं होता है। तो एक सब्जेक्ट आपको लास्ट में जाकर के छोड़ना पड़ेगा, ये तो रही बात मेजर सब्जेक्ट की, इसके अलावा मेजर सब्जेक्ट का और कुछ जो है इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, जैसे कि अगर बात की है मेजर सब्जेक्ट की, तो मेजर सब्जेक्ट जो होता है आपका, इसका जो पेपर पैटर्न होता है अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग होता है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी पेपर पैटर्न क्या होगा, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग होता है। अब आपको यहीं पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कुछ विश्वविद्यालय को जहां तक मुझे पता है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, यहाँ की परीक्षा कैसी होगी भैया, यहाँ की परीक्षा आपकी लिखित होगी। हालांकि एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा सभी विश्वविद्यालयों के, बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का लगभग आपका लिखित ही होता है। इसके अलावा आप देखिएगा कानपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा जो होती है वो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव या लिखित, देखिए एक सेमेस्टर में देखिए दो, मतलब उसमें इवन और ऑड सेमेस्टर है। जैसे अब अगर मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, और फिफ्थ सेमेस्टर की होगी, वो सब लिखित परीक्षा होगी। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा और मतलब इवन सेमेस्टर की होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी। इसी प्रकार से आपका सीएसजेएमयू में है, ठीक है, सीएसजेएमयू यानी छत्रपति साहू जी महाराज में है, और यही प्रक्रिया आप देखते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में है कि मतलब कि सम सेमेस्टर में और आठ सेमेस्टर का किसमें ऑब्जेक्टिव किसी में लिखित होता है, तो ऐसे होता है। तो इस पर मैं फोकस और चर्चा कर लूंगा। डीडीयू में तो आपका क्लियर ही है कि डीडीयू में आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे, 6 क्वेश्चन आपके लिखने वाले आते थे, ऐसे राम मनोहर लोहिया का क्लियर है एकदम से, सिद्धार्थ का एकदम से क्लियर है, अब सीएसजेएमयू का भी लगभग क्लियर ही है, वीर बहादुर सिंह का भी क्लियर है, लेकिन इसमें मैं ये अभी क्लियर नहीं हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर का होता है थर्ड सेमेस्टर का या फिफ्थ सेमेस्टर का या सेकंड और फोर्थ का, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे तो सेकंड और फोर्थ का ऑब्जेक्टिव होता है विश्वविद्यालय का, ठीक है, और मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो यूनिवर्सिटी है वहां का पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है, ठीक है, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 50 प्रश्न आपको करने होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से पेपर पैटर्न होता है मेजर का। तो मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस होता है इसको थोड़ा सा जान लें। मेजर सब्जेक्ट जो होता है उसकी अगर बात की जाए, देखें अधिकतर विश्वविद्यालय में मेजर और माइनर का जो पेपर होता है अधिकतर में वो सेम ही होता है, मतलब कि जो सिलेबस मेजर का होता है वही सिलेबस माइनर का होता है, मैंने आपको इसको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था।
तो जो पेपर पैटर्न आपका मेजर का होगा वही पेपर पैटर्न माइनर का होगा, मतलब सेम वही पर्चा जो होता है मेजर वालों के बच्चों को मिल जाता है, सेम वही पर्चा माइनर वालों को मिल जाता है। बस केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है माइनर सब्जेक्ट वालों की, क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो मेजर सब्जेक्ट को लेकर के जितने भी डाउट थे मैंने आपको बता दिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी कुछ मैंने सिनेरियो बता दिया। तो मेजर सब्जेक्ट आपके कोई भी तीन सब्जेक्ट आप इनमें से ले सकते हैं। तो आप अगर आप सब्जेक्ट ले भी तो आप पॉलिटिकल साइंस के साथ ज्योग्राफी या हिस्ट्री ले ले, या इन तीन सब्जेक्ट को आपके लिए ज्योग्राफी आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, होम साइंस भी आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मिलिट्री साइंस भी प्रैक्टिकल है, साइकोलॉजी भी जहां तक है मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इनको लेने से आपका बड़ा फायदा होने वाला है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से आपको अच्छा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कितने नंबर कैसे क्या मिलते हैं, सारा सिनेरियो आपको समझा दूंगा, क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।